कोरोना महामारी के चलते जब से लॉकडाउन हुआ था तब से लेकर आज तक माधव मित्र मंडल के हरमेश पवार एवं उनके साथियों ने बताया कि मित्र मंडल एवं उनके जन सहयोगी द्वारा गरीब एवं मध्यम वर्ग को भोजन के पैकेट्स बांटे जा रहे थे, लेकिन तीसरा लॉकडाउन होने के बाद अब माधव मित्र मंडल द्वारा मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सूखी खाद्य सामग्री हर पांचवें दिन दी जाएगी, जिसका शुभारंभ आज क्षेत्र के विधायक अनिरुद्ध माधव मारू के द्वारा किया गया। जब विधायक से रामपुरा के क्षेत्र के बारे में वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने बात की तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। लगातार 50 दिन से भोजन सामग्री भोजन वितरित करते रहे हम लोग के लिए मंडल के माध्यम से। इसमें रामपुरा नगर के सभी प्रबुद्धजनों का सहयोग था, पूरे नगर का सहयोग था, क्षेत्रवासियों का सहयोग था और एक सुचारू तरीके से ये कोशिश हमेशा रही इस मंडल की कि रामपुरा नगर में कोई भूखा नहीं रहे, कोई भूखा नहीं सोए, किसी को ये नहीं लगे कि लॉकडाउन है इसलिए हमारी चिंता परवाह नहीं करी। इसलिए लगातार निरंतर ये कार्य चलता रहा और अब चूँकि जब लॉकडाउन का तीसरा फेज चालू हो गया तो इस स्थिति में जब बाज़ार खुलने लगे, लोगों को काम मिलने लगा तो उन लोगों को ढूंढा गया जो मध्यम वर्गीय हैं, जिनके व्यवसाय नहीं चल रहे हैं और व्यवसाय के अलावा उनकी आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। उनके परिवारों में भोजन की दिक्कत शुरू हो गई, उनके परिवारों में राशन खत्म हो गया। ऐसे परिवार ढूंढ के हम उन लोगों को तक राशन पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उस वर्ग की चिंता करना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें उस वर्ग आ गए जैसे हमारे सैन समाज के लोग हैं, हमारे गंधर्व ढोली समाज के लोग हैं, अन्य मोची समाज के ऐसे लोग हैं जिनके और कोई व्यवसाय नहीं है। तो ऐसे जो छोटे छोटे मंडी के हम्माल हैं, मंडी की तुलावटी हैं, बहुत सारे लोग इस तरह से जिनकी कोई आय का स्रोत नहीं रहा और राशन भी ख़त्म हो गया, उनको हम राशन उपलब्ध कराने के लिए ये काम शुरू किया है। अभी लगभग 5 किलो आटे के साथ उनको सभी भोजन सामग्री निर्माण के लिए दाल चावल मसाले नमक तेल सभी दे रहे हैं। रामपुरा से अजय सिंह सिसोदिया के साथ शेख इशाक की रिपोर्ट।